जय श्री कृष्ण। आज ये विचार करेंगे कि भागवत की कथा किससे श्रवण करना चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए, क्या हम किसी से भी भागवत की कथा श्रवण कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, क्योंकि हम जो भी कार्य करते हैं वे शास्त्र के नियम के अनुसार ही कार्य करने से हमें सद्गति की प्राप्ति होती है, और यदि हम शास्त्र के विरुद्ध आचरण करते हैं तो हमें नरक की प्राप्ति होती है। हमारा प्रमाण शास्त्र ही प्रमाण होता है। कोई भी व्यक्ति अपने मनमाने ढंग से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। यदि मनमाने ढंग से कार्य करता है तो उसको सुख की प्राप्ति नहीं होती है। गीता में स्पष्ट कहा गया है, विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धाभिरहितम यज्ञम तामसं परिचक्षते। विधिहीनम, विधि से हीन, असृष्टान्नम अन्नदान से रहित, मंत्रहीनम मंत्र से रहित, विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम दक्षिणा से रहित, विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम श्रद्धा भी रहितम यज्ञम, श्रद्धा से रहित यज्ञ को तमोगुणी यज्ञ कहा गया है। इसलिए भागवत जो है ये ज्ञान यज्ञ है, ये मोक्ष के लिए एक प्रयोग है। जिस प्रकार से हम बाण से किसी लक्ष्य का भेदन करते हैं और उसमें यदि थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो लक्ष्य का भेदन नहीं हो सकता, ठीक इसी प्रकार से ये भी ज्ञान यज्ञ है, और यदि इसमें थोड़ी सी भी चूक हो जाने से फिर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, फिर सद्गति की प्राप्ति नहीं होती। तो इसलिए देखिए, भागवत में तो स्पष्ट बताया गया है, और विशेषकर आजकल ये देखा जाता है कि स्त्री और शूद्र भी कथा करने लग गए हैं। यद्यपि स्त्री और शूद्रों के लिए कथा व्यास मंच पर बैठना बिल्कुल ही अपराध है, वे स्वतः तो नरकगामी होते ही हैं, और साथ में जितने उनसे कथा का श्रवण करते हैं वे भी नरकगामी होते हैं। स्त्री शूद्र द्विजवृत्ति नाम त्रयीणा श्रुति गोचरः, स्त्री शूद्र और द्विजाति ये तीनों ही त्रयी न श्रुति गोचरः, जो वेदत्रयी है, वेद है, इसके अधिकारी नहीं है। भागवत में विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निःस्पृहः। भागवत में स्पष्ट कहा गया है कि वक्ता विरक्त हो, मतलब उसको संसारिक आसक्ति न हो, वैष्णव हो, विप्र हो। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, साथ साथ में वेद शास्त्र का ज्ञान रखने वाला हो, दृष्टांत कुशलो धीरः, और जैसे कोई भी बात होती है उसको दृष्टांत के द्वारा उसको अच्छी प्रकार से समझा सके, ऐसा कुशल, दृष्टांत देने में चतुर, धीर, इस प्रकार से वक्ता होना चाहिए।
और आजकल तो ये देखा जाता है, कहीं कुछ वीडियो ऐसे भी आ रहे हैं कि वे कहते हैं कि रजस्वला कोई मतलब ही नहीं है। अरे पहली बात तो देखिए, व्यास मंच पर विरक्त वैष्णव विप्र ब्राह्मण यही इसके अधिकारी हैं। इनके अतिरिक्त व्यास गद्दी का कोई भी अधिकारी नहीं होता। और स्त्री तो बिल्कुल ही अधिकारिणी नहीं है। यद्यपि शास्त्रों में स्त्रियों के लिए तमोद्वार भी कहा गया है, लेकिन वे तमोद्वार इसलिए कहा गया है क्योंकि सबसे ज्यादा यदि कहीं आसक्ति होती है तो स्त्री में होती है, और जहां आसक्ति होती है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण होता है। तो यदि स्त्री में आसक्ति है तो फिर व्यक्ति को स्त्री हो जाना होता है। इसलिए शास्त्रों ने तमोद्वार कहा है, लेकिन व्यास गद्दी का तो अधिकारी यज्ञोपवीतधारी ही होता है और स्त्रियों का तो यज्ञोपवीत होता नहीं। शादी में दुर्गा जनेऊ होता है लेकिन स्त्रियां जनेऊ पहनती नहीं। जब तक मासिक धर्म नहीं होता था पूर्व काल में, तब तक स्त्रियां भी जनेऊ पहनती थीं, लेकिन जब से मासिक धर्म की व्यवस्था हुई तब से स्त्रियां जनेऊ नहीं पहनती, उनके लिए जनेऊ निषेध है। और जब जनेऊ निषेध है तो गद्दी पर तो बैठ ही नहीं सकती। फिर इसके बाद में गद्दी पर बैठी हुई हैं, मासिक धर्म कब हो जाए कोई बता के तो होता नहीं, कभी भी हो सकता है। तो पूर्ण रूप से अशुद्ध हो गया, गद्दी भी अशुद्ध हो गई। और जब गद्दी भी अशुद्ध हो गई और उनको तो अधिकार ही नहीं कहने का है, तो इसलिए ऐसे अधर्म से ऐसे पाप से बचना चाहिए, क्योंकि संसार में प्रत्येक कार्य विधि पूर्वक ही संपन्न होने पर, विधि पूर्वक संपन्न होने से ही कार्य की सफलता प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए कि आप भोजन ही कर रहे हैं, तो चाहे जैसे भोजन करेंगे तो क्या हमको सफलता प्राप्त हो जाएगी? अब मुख से भोजन करने की विधि है, हम सोचे नाक से भोजन कर लें, छेद तो वहां भी है, तो क्या क्षुधा शांत हो जाएगी? नहीं होगी, और भोजन भी नहीं हो पाएगा। इसलिए इन सब चीज का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए और विधि का पालन करना चाहिए। विधि ही प्रत्येक कार्य में विधि प्रधान है। जय श्री कृष्ण।